मैं सबसे छोटी हूं। यह कविता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। इसमें श्री सुमित्रा नंदन पंत जी खुद को एक छोटी बच्ची होने की कल्पना करते हैं। तो इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी खुद को एक छोटी बच्ची होने की कल्पना करते हुए ये कविता लिखे हैं। तो उसमें कवि कहते हैं कि मैं सबसे छोटी हूं, मतलब कि वो सबसे छोटी होना चाहते हैं। तो कवि एक बच्ची के रूप में कह रहे हैं कि मैं सबसे छोटी हूं, मीन्स होना चाहते हैं। तेरी गोदी में सोऊं और तेरी गोदी में सोना चाहते हैं, माँ की गोदी में सोना चाहते हैं। तो सबसे छोटी बच्ची होना चाहते हैं और माँ की गोदी में सोना चाहते हैं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा माँ तेरे साथ। और माँ का अंचल जो क्लोथ होता है कपड़ा, उसको पकड़ के, ड्रेस को पकड़ के फिरू सदा माँ तेरे साथ, ने इधर उधर घूमना चाहते हैं। ओके, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, और कभी हाथ नहीं छोड़े, हाथ पकड़ के भी रहना चाहते हैं और इधर उधर घूमना चाहते हैं माँ के साथ। अभी दूसरा पैराग्राफ ये है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि छोटी बच्ची के रूप में वो कह रहे हैं कि बड़ा बनाकर पहले हमको, कि जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ उनको उतना प्यार नहीं देती है। ठीक है, तू पीछे चलती है माँ, चलती है मतलब कि यहाँ पर है कि उनको प्यार नहीं मिल पाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे अपने काम में लग जाते हैं, फिर माँ भी अपने काम में लग जाती है, ठीक है, इसलिए उनको उतना प्यार नहीं दे पाते। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, फिर हाथ पकड़ के भी हम लोगों को साथ इधर उधर नहीं घूमती। इसका वो मतलब है। फिर है, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात। ठीक है, जब छोटी होते हैं तो अपने हाथ से खिलाती थी, ठीक है, धुला मुख अपने फेस धो देती थी, साफ सुथरा कर देती थी, है ना, धूल पोछ देती थी, धूल पोछ सज्जित, सज्जित मैंने बच्चे को रेडी करना, रेडी कर देती थी और गीत सुनाती थी, है ना। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और खिलौने देकर हमें नहीं सुनाती हो अब सुख देने वाले परियों की कहानी बोलकर। ओके, अब हमें नहीं बताती हो परियों की कहानी, तो ऐसे हमें बड़ा नहीं होना कि इधर उधर नहीं घुमाने ले जाती हो। ओके, और अपने हाथ से खिलाती थी वो सब भी अभी नहीं खिलाती हो, अपने से जो रेडी कर देती थी वो सब भी नहीं हो रहा है, अब खिलौने थमाकर हमें परियों की भी कहानी नहीं सुनाती हो। तो फिर कवि बच्ची के रूप में कहते हैं, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, मतलब कि ऐसे मुझे बड़ा नहीं होना कि तुम्हारा जो स्नेह है वो मुझे नहीं खोना है, मैंने हमेशा वहां के पास उसको रहना है। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, और तेरे अंचल की, मैंने अंचल की मैंने माँ के पास ही छिपी रहना चाहती है, माँ के पास ही बिना और किसी इच्छा के, निष्प्रिय मीन्स बिना और किसी इच्छा के, निर्भय होकर निडर होकर कहूं। और कहते हैं कि दिखा दे चंद्रोदय, तो रेज ऑफ द मून मीन्स जब चांद आता है तो चांद को भी दिखा दे। यही है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया मैं सबसे छोटी हूँ। इसमें कवि खुद को एक छोटी बच्ची के रूप में देखते हुए ये कविता लिखे हैं।